तो हेलो गाइस, हम वापस आ चुके हैं अपने व्लॉग्स में। तो वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग जो है वो जन्माष्टमी स्पेशल व्लॉग है। जन्माष्टमी के लिए जो सेटअप बुक हुआ है उसका व्लॉग। ये रहा अपना सेटअप, पीछे देख सकते हो। ये सेटअप लेके जा रहे हैं हम लोग। और ये रहा छोटा रूपेश, इसका नेम भी रूपेश है लेकिन ये छोटा रूपेश है। ये लाइट चलाता है और मैं डीजे चलाता हूँ। इसका भी एक चैनल है रूपेश लाइट्स करके, तो आप लोग जाके देख सकते हो उसको। नहीं तो अब वापस आते हैं अपने सेटअप पे। ये सेटअप हम लोग लेके जा रहे हैं रतनपुर भाड़ी करके एक गांव है वहाँ पास, जो कि हम लोग का भी गांव है, पाली के आगे ही पड़ता है। इस सेटअप में 6 बेस, 8 सारपी, 6 लाइनरे, 3 ब्लाइंडर, 1 स्मोक मशीन और एक पेपर ब्लास्टर भी है और 4 पायरो भी है जो कि लास्ट में जलेगा सेटअप के ऊपर। और न्यू पेपर ब्लास्टर लिए है, उसको भी दिखाऊंगा अभी मैं। तो अभी साउंड चेक करना बाकी है हम लोग का, तो चलो अब हम लोग साउंड चेक करेंगे। तो हेडफोन जरूर लगा लेना। और यहाँ पर डीजी चालू हो चुका है। एक बार ओवरव्यू दे देता हूँ आप लोग को पूरा सेटअप का। ये रहा पर्ल बोर्ड, इसमें लाइट कंट्रोल करते हैं जो, वो रहा अपना डीजी, 45 केवीए का है। और ये ऊपर में एंगल में लगा हुआ है लाइनर है। और उसके बाद यहाँ केबिन में मॉस्फेट, मिक्सर, क्रॉसओवर, बोर्ड सभी वहाँ रखा हुआ है। पिकअप में लोड किए हैं आज हम लोग, काफी लोड हो चुका है ये। और ये रहा अपना नेम बोर्ड, देख सकते हो। और वहाँ ऊपर में साउंड चेक के लिए रेडी किया जा रहा है। अब चलते हैं पीछे, तो चलो अब साउंड चेक सुनते हैं। ये रहा अपना पेपर ब्लास्टर या पॉपर भी बोलते हैं इसको, न्यू लिए हैं। ये छोटा रूपेश का है, ये भी लगेगा आज, इसका फर्स्ट बुकिंग है। तो साउंड चेक तो हो चुका है और सब रेडी हो चुके हैं हम लोग, तो अब निकलेंगे यहाँ से। साउंड कैसा आ रहा है आप लोग कमेंट में जरूर बताना। और ये रहा ऊपर में बैठा है जो दुर्गेश, छोटा बाहुबली, पूरा सेटअप को उठा देता है अकेले। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। हाँ चल चल ना चला। तो अब निकलते हैं, आगे एक बड़ा सा चढ़ान है, वहाँ से गाड़ी चढ़ने में काफी दिक्कत होता है, इसलिए हम लोग आगे से बैठेंगे क्योंकि ज्यादा ही लोड हो चुका है आज। डीजी भी उसी में है और 6 बेस लगाए हैं, 6 लाइनर भी लगा है और सारपी भी लगा है। और सेटअप कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट में बताओ और वीडियो को लाइक कर दो अभी से। कहाँ हुई भी होकर से इससे पत्ता कलर फोन में आ जाएगा। वाह भाई आपका नॉलेज तो कमाल का है भाई। मार सा तो अभी हम लोग रुके हुए हैं बस स्टैंड में, टायर में हवा चेक कर आ रहे हैं क्योंकि कम लग रहा है थोड़ा, और आज काफी लोड है इसलिए कम हो गया होगा, फिर भी हम लोग चेक करा लेते हैं। और यहाँ बारिश भी स्टार्ट हो गया है थोड़ा थोड़ा, तो पूरा त्रिपाल से ढक दिए हैं इसको, ऐसे ही जाना पड़ेगा पूरा ढके ढके, कभी भी बढ़ सकता है पानी इसलिए। तो चलो अब तो देख सकते हो पानी बंद हो चुका है, फिर भी ऐसे ही जा रहे हैं हम लोग लगाए हुए। और रास्ते में जो भी जा रहा है वो हम लोग को मुड़ मुड़ के देखे जा रहा है, पता नहीं क्यों। हो सकता है मैं हीरो टाइप दिख रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा, तुम खुद देख लो ना भैया। देखो सनलाइट, मूनलाइट, चांद, गुलकंद, रौनक, नूर, मतलब सब बसता है मेरे चेहरे के अंदर।
मतलब ऐसा कहीं चेहरा पे, मतलब ये तो एक मिनट रुको, तुम खुद देखो, ये देखो है उसे कोई स्मार्ट बताओ खुद, नहीं तुम खुद देख, मैं ये नहीं कहता तुम मेरी बात मानो, तुम खुद देखो ना, फैसला तुम करो। मेरे को लगता है डीजे सेटअप को देखते होंगे पलट पलट के, वो देखो एक और पूरा शुरू से लास्ट तक ऐसे देखते हैं जैसे हम लोग चोरी करके ले जा रहे हो कुछ, शायद फैन होगी मेरी और क्या। भाई लगता है आपके प्यार में गिर गई भाई, पाली नहीं कौन फैन है। तो हम लोग रुके हुए हैं बीच में ही, भूख लग रहा है जोर से क्योंकि हम लोग सुबह कुछ खाए नहीं थे, समोसा दुकान मिला है रास्ते में बड़ी मुश्किल से, तो लेने गया है, दो दो समोसा खाएंगे फिर हो गया, यही खाना है अपना। और इधर भी डीजे बज रहा है, आसपास आवाज आ रहा है। और ये रहे भाई लोग, सभी को भूख लगा है, इंतजार कर रहे हैं कब आएगा खाना, बेचारे बच्चे लोग, दो समोसा मिलेगा बस इन लोगों को। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अरे भाई 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 माँ आपने डीजे, वाओ पावर जोन थर्ड कॉपी बबलू डीजे ओ एम सी, आगे टोल में पैसा देने, टोल प्लाजा में आपका खुल जा सिम सिम खुल गया अपने आप। तो हम लोग आ चुके हैं गांव के अंदर, यहाँ पे बाकी का सेटअप करेंगे और ये नेम बोर्ड लगाएगा खुरखुरी भाई अपना, यहाँ सामने में लगाएंगे आज। और यहाँ गांव में एक और सेटअप लगा हुआ है, साउंड चेक हो रहा है, सुन सकते हो आवाज आ रहा होगा, रैम्बो डीजे करके है, गांव का ही डीजे है यहीं का। और ये रहा अपना सेटअप, चार ब्लू बेस और दो स्कूप बेस लगाए हम लोग। तो यहाँ रुके हुए हैं क्योंकि पेपर ब्लास्टर को भी फिट करना है और फिर साउंड चेक भी करेंगे फिर से, तो बने रहिए वीडियो में। ये क्या है भाई, छत्तीसगढ़ी में बता रहा था, कचरा मशीन, पेपर ब्लास्टर है ले, पेपर ब्लास्टर है ये। तो डीजे हो चुका है स्टार्ट, बहुत लेट हो चुका था इसलिए साउंड चेक का वीडियो भी नहीं बना पाया हूँ। वो देखो अपना सेटअप है, साउंड को सुनने के लिए आया हूँ दूर तक कैसा आ रहा है करके। तो चलो अब मटकी तोड़फोड़ स्टार्ट करते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखो और लास्ट में पाइरो जलेगा और पेपर ब्लास्टर भी न्यू वाला उसको भी देखना। तो चलो अब मिलते हैं लास्ट में। Oh, 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 oh
और यहाँ पे बारिश थोड़ा तेज हो चुका है, फिर भी चला रहे हैं हम लोग त्रिपाल से ढके, देख सकते हो पानी, हम लोग तो भीग चुके हैं पूरा ऑलरेडी। तो डीजे बंद होने के बाद, सारे मटियों को तोड़ने के बाद हम लोग निकल चुके हैं वापस कोरबा के लिए। देख सकते हो रात में रोड मस्त दिख रहा है, बिलासपुर रोड है ये। आगे में बैठे हैं हम लोग, गाना सुनते सुनते जा रहे हैं हम लोग। अभी 1:30 बज रहा है और हम लोग को घर पहुंचते पहुंचते 4:30 से 5 बज जाएगा। और गणेश चतुर्थी के लिए भी बुकिंग हो चुका है स्टार्ट, तो उसका ब्लॉग भी आपको देखने को मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और कुछ भी पूछना हो या बुकिंग करवाना हो तो इंस्टाग्राम में डीएम कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन में, और अबाउट सेक्शन में आपको इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा मेरा। तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट भी कर दो, छत्तीसगढ़ी में कुछ भी कमेंट कर दो। तो चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।